रहा वीरों की कुर्बानी को लेकर। विवेक जी आपको कैसा लगा बहुत ही गीत? अच्छा गीत जयसिंह अरे जय साहब का। उन्होंने देशभक्ति की बात की और वीरों की बात की। अभी अभी मुझे पिछले दिनों की घटना याद आ रही है जब फील्ड मार्शल मानेक शाह हमारे बीच में नहीं रहे और देश के नेताओं ने उनके संग कैसा बर्ताव किया। तो कहीं हमें दुख होता है कि ऐसे जांबाज, ऐसे जान पर खेलने वाले सितारे हमारे बीच में से जाते हैं, तो उनको कहीं ना कहीं पूरा सम्मान मिलना चाहिए। तो हम नमन करते हैं मानेक शाह को भी, जिन्होंने 1971 की लड़ाई में पूरे देश को विजय का गौरव दिलवाया था। ऐसे लोग हमारे बीच में जब जाते हैं तो एक अपूर्णीय क्षति होती है। मैं उनको नमन करता हूं। और एक एयरफोर्स के सिपाहियों के लिए एक चार पंक्तियां श्रवण राय की मुझे याद आ रही हैं कि लेखनी में रक्त की भर सुर्ख स्याही, लेखनी में रक्त की भर सुर्ख स्याही, काल पथ में भी सृजन के हम सिपाही, तप्त अधरों पर मिलन की प्यास लिखते हैं, हम धरा की देह पर आकाश लिखते हैं। बहुत अच्छे। ऐसे ऐसे रचनाकार जब हमारे बीच में होते हैं, ऐसे ऐसे जांबाज जब लोग हमारे बीच में होते हैं, और हमारे बीच में जब डॉक्टर कुंवर बेचैन होते हैं तो पूरा माहौल कविता के लिए बेचैनी भरा हो जाता है कि उनके मुख से क्या निकलेगा, उनके श्रीमुख से क्या आवाज गूंजेगी फिजाओं में, जो लोगों के कानों को तृप्त कर देगी, उनकी आत्माओं को तृप्त कर देगी, उनके व्यक्तित्व को एक ऐसा आयाम देगी कि जीवन में वो कुछ कर गुजरने के लिए तत्पर हो जाएंगे। ऐसे सक्षम, ऐसे सशक्त, ऐसे समर्थ रचनाकार जिनको हम कविता का दिनकर भी कह सकते हैं और सूर्य की तरह चमकते एक दैदीप्यमान नक्षत्र, उनको मैं आमंत्रित कर रहा हूँ। जोरदार तालियों से आप स्वागत करें डॉक्टर कुंवर बेचैन। विवेक जी बहुत बहुत धन्यवाद। आप तो स्वयं इतने अच्छे कवि हैं और इतना अच्छा संचालन करते हैं। मैं जयसिंह आर्य जी ने बहुत अच्छी रचना सुनाई, सभी ने बहुत अच्छी रचना सुनाई है, और जयसिंह आर्य जी की रचना के साथ जुड़ करके चार पंक्तियां कह रहा हूं फिलहाल। और नमन कर रहा हूं उन शहीदों को जिन्होंने इस देश का नमन किया किस तरह से। क्या बात, क्या बात। सांस का हर सुमन है वतन के लिए, सांस का हर सुमन है वतन के लिए, जिंदगी ही हवन है वतन के लिए, सांस का हर सुमन है वतन के लिए, जिंदगी ही हवन है वतन के लिए। कह गई सा कह गई फांसियों में फंसी गर्दने, कह फांसियों में फंसी गर्दने, ये हमारा नमन है वतन के लिए, ये हमारा नमन है वतन के लिए, का हर सुमन है वतन के लिए। और इन पंक्तियों के बाद छोटा सा गीत प्रस्तुत कर रहा हूँ, स्वागत। प्रतीकात्मक गीत है, देखिएगा। स्वागत। मेले दर्पण दोष दे रहे गोरे चेहरों को, मेले दर्पण दोष दे रहे गोरे चेहरों को, बुरा समय है यार पूजते सभी अंधेरों को। क्या कहने हैं, क्या कहने। मेले दर्पण दोष दे रहे गोरे चेहरों, बुरा समय है यार पूजते सभी अंधेरों को, मेले दर्पण दोष दे रहे गोरे चेहरों को, बुरा समय है यार पूजते सभी अंधेरों को, चापलूस कलमों ने ओढ़ी चादर सोने की। क्या कहने। चापलूस कलमों ने ओढ़ी चादर सोने की, सच्चे कलमों के घर पर आवाजें रोने की, चापलूस कलमों ने ओढ़ी चादर सोने की, सच्ची कलमों के घर पर आवाजें रोने की, सच्चे कलमों के घर पर आवाजें रोने की, पीछे से आवाज दे रहे, पीछे से आवाज दे रहे गूंगे बहरों को। क्या कहने। पीछे से आवाज दे रहे गूंगे बहरों को, बुरा समय है यार पूजते सभी अंधेरों को। क्या बात है डॉक्टर साहब। मेले दर्पण दोष दे रहे गोरे चेहरों को, बुरा समय है यार पूजते सभी अंधेरों को, सभी अंधेरों को। क्या अंतिम पंक्तियां देखिएगा। स्वागत है। कोरे कागज तो कहलाए वेदों की वाणी, कोरे कागज तो कहलाए वेदों की वाणी,
और वेद थे जो उनके हर पन्ने पर पानी। क्या कहने, क्या कहने, गोरे कागज तो कहलाए वेदों की वाणी, और वेद थे जो उनके हर पन्ने पर पानी, और वेद थे जो उनके हर पन्ने पर पानी। नए उपनगर गाली देते, नए उपनगर गाली देते बूढ़े शहरों क्या को, देने, क्या देने। नए उपनगर गाली देते बूढ़े शहरों को, बुरा समय है यार पूजते सभी अंधेरों को, मेले दर्पण दोष दे रहे गोरे चेहरों को, बुरा समय है यार पूजते सभी अंधेरों को, सभी अंधेरों को। बहुत बहुत धन्यवाद। क्या बात है डॉक्टर कुंवर बेचैन साहब की। सपना कैसी लगी आपको? बहुत अच्छी कविता सुनाई, और बहुत अच्छी कविता। मुझे लगता था कि सपना कुछ और कहेंगी, क्योंकि सपना के पास शायद शब्दों की कमी पड़ गई या काल पड़ गया है, क्योंकि वो भाव विभोर हो गई और कविता में खो गई है। मैं कविता में खो गई हूँ और विवेक जी के जो शब्द हैं अब वो आप तक पहुँचेंगे।